ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है और हम लोगों के यहाँ भी करीब करीब 6.5 करोड़ हो चुका है जी। और हम लोगों का तो लक्ष्य है कि सभी लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे और उसके लिए अभी जस्ट इसके बाद एक मीटिंग भी हम रख रहे हैं, उसमें पूरा का पूरा विचार विमर्श करके और तेजी से जो लोग भी बचे हुए हैं, और मान लीजिए कि 4 करोड़ से भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है पहला फेज, तो जो पहला फेज हो चुका है तो उसको दूसरा फेज तो करा ही देना है जी। तो इसके लिए भी एक एक जगह जा करके हर जगह देखना कि जिसका हो चुका पहला उसको दूसरा अगर टाइम हो गया है, समय हो गया है, तो उस बीच में करा लेना और बाकी कोई बचा न रहे सब लोगों को प्रेरित करना कि साहब इसको जरूर करवाइए। तो इसके लिए और हर जगह, और अब एक बात ये भी बात हो गई हम लोगों की कि हम लोगों को ज़्यादातर रूरल एरिया में भी घूम घूम करके हर जगह लोगों को प्रेरित करना, और इसका पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा, प्रचार वगैरह कराया जा रहा ताकि लोगों को ये मालूम हो कि सबको ये जरूर वैक्सीनेशन कराना चाहिए, टीकाकरण जरूर कराना चाहिए, ये उनके हित में है ताकि उनको कोई नुकसान नहीं हो सके। तो इसी के लिए कर ही रहे हैं हम लेकिन हाँ एक हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है कि जो भी उत्तराखंड में जो इधर जो घटना हो गई, जितना ज्यादा वर्षापात हो गया और उसके चलते इतने लोगों का डेथ हुआ है, और हम लोगों के बिहार का पहले दिन 3 दिन पहले पता चला 3 लोगों का जी जी और बाद में 7 और लोगों का पता चल गया। अब इसके आगे और जो कुछ भी उसके बारे में पूरी जानकारी लगातार वहाँ से हम लोगों के लोग अधिकारीगण सब रेजिडेंट कमिश्नर भी लगातार निरंतर संपर्क में वहाँ से लोगों को लाने की कोशिश, तो 3 तो पहले आ गया और फिर आज भी उम्मीद है कि 7 का आज आ जाएगा और लोगों को घर तक पहुँचाएंगे। तो ये जिस तरह से लोगों का डेथ हुआ है इसमें अतिवृष्टि के बाद जो स्थिति वहाँ की हुई, तो हम लोगों के ही लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, तो वो लोग आ गए हैं तो हम लोगों को बहुत तकलीफ। और आप सब जानते हैं कि सब पश्चिम चंपारण के ही जी। सारे लोग मतलब कि 7, 3, 10 दस लोग जो अभी तक का पता चला सब एक ही जगह के। तो ये हम लोगों ने तय कर दिया है कि और भी जो सहायता दी जाती है कुछ विभागों के जरिए जो हमारे लोग बाहर में रहते हैं वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन जो हम लोगों का है जो सीएम रिलीफ फंड है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।